करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें, जो प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का टी और जेम जे के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यहाँ पास एस प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए टी और जेम जे के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एस प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्वप्रथम से सारी वीडियोस हो जाएंगे, आरोहण की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन की और एक नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए पहले साल भाई। इफ फाइव इंस्टेंसेज ऑफ वॉल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट डिफिशियंसी इन सर्विस बाय द ब्रांच द लेवी ऑफ सच पेनल्टी विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन, पेनल्टी विल बी लेवाइड रुपीज इमीडिएटली। बोलते हैं 5 बार वॉल्यूशन हुआ किसी भी एग्रीमेंट का या डिफिशियंसी का, तो कोई भी सर्विस में कमी पाएगा ऐसे 5 बार ब्रांच के द्वारा, तो पेनल्टी लगेगी, पूरी पब्लिक डोमेन में बताया जाएगा और पेनल्टी कितने रुपए का लगेगा वो भी तुरंत। ये ऑप्शन रुपीज़ 1 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 2 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 5 लाख, डी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख। सही ऑप्शन रहेगा सी रुपीज़ 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आई, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर एज पर बैसल 3 गाइडलाइंस बाय आरबीआई। बोलते हैं मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होता है इस पर बेसल 3 गाइडलाइंस जो आरबीआई का है। ए ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन है 6.5%, सी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है 8.8%, 8% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इंक्लूड्स, क्या क्या एलिमेंट जो होते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में आते हैं। ए ऑप्शन है कॉमन शेयर्स इशूड बाई द बैंक, बी ऑप्शन है स्टॉक सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम इशू ऑफ कॉमन शेयर्स, सी ऑप्शन है स्टैच्युटरी रिजर्व, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सवाल यह था आपका कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ए ऑप्शन हो गया कॉमन शेयर्स इशूड बाय द बैंक, ये होगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोलता है कि स्टॉक सरप्लस की वजह से रिजल्ट इशू जो था कॉमन शेयर्स की वजह से रिजल्ट हुआ स्टॉक सरप्लस, ये भी बात सही है। सी बोलता है सी ऑप्शन हो जाएगा स्टैच्युटरी रिजर्व, सी भी सही है, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस, बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से एडिशनल टीयर 1 कैपिटल क्या चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए एडिशनल टीयर 1 कैपिटल एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से। ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन 2.5%, डी सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन है 1.5%, डी ऑप्शन हो जाएगा 1.5%। क्वेश्चन 5 में आइए, मानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर हैज बिन लॉन्च फॉर, मानी जो है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए। ऑप्शन हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बी ऑप्शन है फिजिकली चैलेंज पर्सन, सी ऑप्शन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, डी ऑप्शन डम पर्सन। तो लॉन्च किया गया मनी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सेटलमेंट रिस्क टू बी कॉल्ड, सेटलमेंट रिस्क हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन है हॉस्टेट रिस्क, सी ऑप्शन है एक्सटर्नल रिस्क, डी ऑप्शन है इंटरनल रिस्क। सही ऑप्शन हो जाएगा बी हॉस्टेट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, पिलर 3 प्रोविजंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पिलर 3 प्रोविजंस किसको रेफर करता है। ए ऑप्शन है SRP, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी ऑप्शन है डिस्क्लोजर नॉर्म्स, डी ऑप्शन है एक्सपेंडिचर प्रोविजनिंग, सी ऑप्शन है सी डिस्क्लोजर नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं है इनमें से कौन सा। ए ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, बी ऑप्शन जनरल रिजर्व, सी ऑप्शन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, डी ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व, सही ऑप्शन क्या होगा, जो टीयर 1 कैपिटल का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है शेयर प्रीमियम आपका, शेयर प्रीमियम पार्ट है ठीक है, जनरल रिजर्व से पार्ट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पार्ट नहीं है, कैपिटल रिजर्व से पार्ट है, जो पार्ट नहीं है वो पूछ रहा है, सी ऑप्शन है सी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए मेजर ऑफ, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसका मेजर है। ए ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिस्क, बी ऑप्शन है मार्केट रिस्क, सी ऑप्शन एक्सटर्नल रिस्क, डी ऑप्शन इंटरनल रिस्क, सी ऑप्शन है बी मार्केट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, ऑपरेशनल रिस्क इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशनल रिस्क किसके साथ एसोसिएटेड है। ए ऑप्शन है इनएफिशिएंट पीपल, बी ऑप्शन नेचुरल क्लाइमेटी, सी ऑप्शन इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जो ऑपरेशनल रिस्क के एसोसिएटेड इनएफिशिएंट पीपल के साथ, नेचुरल क्लाइमेटी के साथ, इनएडिक्वेट प्रोसेस, इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस के साथ, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सभी के साथ। यह हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए टी और जेम जेस के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगी, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएगी, आर उनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन की और नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.jbsavimedici.com, ईमेल आईडी 6793@gmail.com में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।